हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। और दोस्तों, कल के रामायण के ब्लॉग में दिखाया मैंने आपको, सभी पात्रों से मिलवाया मैंने यहाँ पे आपको राम राम दरबार के। और आज के रामायण के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी आपको राम कथा। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो बजरंग बली बने हैं, वानर बने हैं रामायण में, उनके मन में भी कितना हर्षोल्लास और उत्साह है दोस्तों ये राम कथा के लिए। सभी छोटे छोटे बच्चे भी आ रखे हैं यहाँ पे और सभी अभिनय कर रहे हैं, सभी कुछ न कुछ पात्र का रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पे छोटे बच्चे। ये मिलाती हूँ मैं आपको छोटे छोटे हनुमान जी से। और अभी आप ये रामायण के राम दरबार में देख सकते हैं कितनी पूरी बाला बाला की भीड़ आ रखी है, बाला बाला की पब्लिक आ रखी है ये मंच पर, और सभी राम कथा का श्रवण कर रहे हैं बड़े प्यार से। और छोटे बानर से मिलाती हूँ, बजरंग बली से, आपको राम जी होंगे क्या बात है। जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं है माता जी, मुझे बहुत सुनाने पर भी माता जी ने मुझे बहुत सुनाया। अनेक अभियोग लगाने लगी जिन्हें मैं सहन न कर सका था माता जी, और अंत में आपकी सेवा में उपस्थित होना पड़ा। अवश्य होता था वे भैया, धोनी प्रबल है, मुझे संदेह है कि सीता हमें पंचवटी में मिल जाएगी भैया। चलो सीधे चलते हैं भैया, चलिए भैया। और दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको हनुमान जी से मिलाती हूँ जो 12 सालों से एक ही अभिनय अदा कर रहे हैं बजरंग बली का। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है देवेंद्र रावत, वैसे मेरा यूट्यूब में भी मेरा भी चैनल है दीपू रावत पाड़ी नाम, क्या ठीक है। अब उसमें रोज आजकल यहाँ की ब्लॉगिंग चल रही है हमारी उत्तराखंड श्री देवभूमि रामलीला समिति की, और मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे 13वां साल लगातार हनुमान जी का खेलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और देख सकते हो आप कि मेरे साथ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारे साथ, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए, हमारी ये जो नई नई युवा पीढ़ी है ये किस तरह से हमारे साथ उत्सुक है हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, जो हमारा कल्चर है उसको बचाने के लिए हम जो है हर संभव प्रयास करते रहते हैं। उत्तराखंड से समिति हर समय अग्रसर रहती है इस मामले में। तो मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी, आप देख ही रहे होंगे सब बाहर कितनी जनता आ रखी है, छोटे छोटे बच्चे, जगह नहीं है वहाँ बैठने की, मतलब सब परिवार से लोग आ रखे हैं यहाँ देखने के लिए। बाला वाला मिलन वेडिंग पॉइंट में जो है रामलीला एकदम सुपर हिट हो चुकी है, पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड ही नहीं संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हो चुकी है, क्योंकि इस समय हमारे साथ माता शक्ति ने जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है वो एक हमारे लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। खासकर हमने जो अपनी जो रामलीला करते हैं, जो हमारे भक्त हैं, उसमें हमने जो गढ़ वाली गाने मेंशन किए हैं, उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है जनता में कि जनता हमारी ओर अग्रसर रही है। हालांकि इस क्षेत्र में काफ़ी जगह रामलीलाएँ हो रही हैं, लेकिन इसी मिलन वेडिंग पॉइंट में इतनी भीड़ हो रही है, इसलिए भी आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये समिति है किस तरह से अपने समाज क्षेत्र में कार्य कर रही है ना, युवा बच्चों को किस तरह से संदेश दे रही है, नई माता को संदेश दे रही है। बाकी हमारे बड़े भाई सुरेंद्र प्रसाद मुगला जी ने बताया होगा आपको थोड़ी देर पहले कि
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। आशा करता हूँ थोड़ा सा एक निवेदन रहेगा हनुमान जी का, कुछ आप कुछ भी गुनगुना के थोड़ा सा जी। जैसे विषम प्रकट पर भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण भैया आते हैं भटकते भटकते माता की खोज करने, तो ब्राह्मण देश में जब हनुमान जी आते हैं तो उसके सामने जो एक गाना है मतलब चौपाई है उसको बोल रहे हैं, ठीक है। Thank you.
ये देख जो मार्च हो आज कौन सा दिया मैं तो अपना हृदय भी भूल चुका हूँ भैया मुसीबत के समय बच्चों ने स्कूल जाना है और आधे लोग बाहर आ गए हैं आधे रामलीला देख के और आधे अंदर बैठ रखे हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ रामलीला मंच पे। और यहाँ बाला में हो रही है रामलीला और इतना ठंडा मौसम है बहुत ही ठंडा मौसम है अभी यहाँ पे लोग सारे जितने ये रामलीला देखने आ रखे हैं यहाँ पे सभी पैदल चल रहे हैं जो नज़दीक के होंगे सब पैदल चल रहे हैं अपने घर। तो दोस्तों आ गए हम ये रामलीला देख के अब मिलेंगे अपनी कॉलोनी में आ गए हम अपने घर के सामने ये उतरे हम अपनी कार से अभी पहुंच गए हम अपने घर में अब मिलेंगे दोस्तों आपको अगले व्लॉग में तब तक सभी को गुड नाइट शुभ रात्रि बाय गुड नाइट।